नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा एक टैक्सी ड्राइवर मूवी के बारे में। ये एक साउथ कोरियन मूवी है जो 2017 के अंदर आई थी। इस मूवी के अंदर दिखाया गया कि 18 मई 1980 में एक प्रोटेस्ट हुआ था साउथ कोरिया में ग्वांगजू सिटी के अंदर, और उस प्रोटेस्ट को लेकर, उसके रियल इवेंट्स को लेकर ये मूवी बनाई गई है। 18 मई से वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे और 27 मई यानी 1980 के 27 मई को ही ये प्रोटेस्ट खत्म हो गए थे। अब ये मूवी देखने से पहले मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत कहानी बता देता हूँ, बैकग्राउंड की स्टोरी बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होने का रीजन क्या था। 26 अक्टूबर 1979 को साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है पार्क चुंग ही, इनकी हत्या कर दी जाती है इन्हीं के चीफ सिक्योरिटी के द्वारा। अब जब इनकी हत्या हो जाती है तो इनके बाद एक नए प्रेसिडेंट आते हैं, चोई क्यूं हो, शायद मैंने उनका नाम सही से लिया हो, यहां वैसे इनका नाम आ भी रहा होगा, आप देख लेना क्योंकि यार प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इनका इतना प्रभाव नहीं था गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब इनकी इतनी पकड़ नहीं थी, तो ये फेल हो जाते हैं। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए मिलिट्री के जो चीफ है चुंडो हा, फिर से नाम यही आ रहा है देख लेना, तो ये अपना ये सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं और मार्शल लॉ लगा देते हैं। अब ये जो मार्शल लॉ वो लगाते हैं, एक शहर है इस साउथ कोरिया के अंदर ही, ग्वांगजू में ये जब मार्शल लॉ लगाते हैं तो वहां के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर देते हैं, और खासकर वहां के सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट में उतर कर सामने आते हैं। इनकी यही डिमांड होती है कि जो मार्शल लॉ है उसको वापस लिया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को वापस बहाल किया जाए, लोगों को मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब इनकी मांगे होती हैं। ग्वांगजू सिटी में क्या हो रहा है ये वहां के लोगों को ही पता है, बाकी पूरे देश के अंदर ग्वांगजू को अलग कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहां की कम्युनिकेशन सब कुछ काट दिया गया है, मतलब पूरे मिलिट्री ने उसको घेर के रख रखा है, और वहां के लोगों को ही पता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। बाकी के जो देश है वहां के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि यहां के लोगों के ऊपर कितनी जाति की जा रही है मिलिट्री के द्वारा, और जो न्यूज दिखाई जा रही है वहां के शहर की तो उसे बिल्कुल अपोजिट करके दिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट जो है वो दंगा कर रहे हैं और यहां पर मिलिट्री के जो लोग हैं वो घायल हो रहे हैं, एकदम अपोजिट न्यूज लोगों को सुनाई जा रही है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही और होता है। अब ये जो कहानी है वो हमारे सामने रिप्रेजेंट की जाती है एक टैक्सी ड्राइवर के द्वारा। वो यहां पर जाता है इस ग्वांगजू शहर में, एक्चुअल में जर्मन का एक रिपोर्टर होता है जो जापान में है, उसको पता चलता है कि ग्वांगजू शहर में कुछ ऐसी ऐसी अफवाहें आ रही हैं, वहां पर मार्शल लॉ लगाया गया है और लोगों को मारा जा रहा है। तो वो ये चीज सुनते ही साउथ कोरिया आता है और ग्वांगजू शहर जाने की कोशिश करता है, और तो वो इस टैक्सी ड्राइवर को हायर करता है और ये कुछ पैसों के बदले यहां पर जाने को तैयार हो जाता है। इसको खुद नहीं पता कि एक्चुअल में वहां क्या होता है, इसी की नजरों में, क्योंकि इसने वो अखबार और वो न्यूज सुनी हुई होती है जिसमें स्टूडेंट्स को बताया गया कि वो जानबूझकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सैनिकों से लड़ रहे हैं, तो उसके दिमाग में वो पर्सपेक्टिव चल रहा होता है। तो वो इसको यहां पर लेके जाता है ग्वांगजू शहर में और अपनी आंखों से देखता है कि यार एक्चुअल में बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है, लोगों को मारा जा रहा है और बहुत ज्यादा बेरहमी से मारा जा रहा है। इवन इसमें इतना साफ दिखाया गया है कि मिलिट्री जो है वो लोगों के ऊपर गोलियां चला रही है, और इतने भयानक दृश्य इसके अंदर दिखाए गए, मतलब बच्चे तो मैं कहूंगा कि इसमें दूर ही रहना इसको देखने से। और जब ये टैक्सी ड्राइवर यहां के हालात देखते हैं तो इसके अंदर हृदय परिवर्तन होता है और यहां पर रिपोर्टर की हेल्प करता है, कैमरे में रिकॉर्ड करवाना, इसको सब चीजों की हेल्प करता है, और इसको वापस सियोल लेके आता है, एयरपोर्ट से इसको वापस जापान भेजता है ताकि लोगों को पता चल सके, दुनिया को पता चल सके कि देखो यार यहां पर मार्शल लॉ लगाया गया और मार्शल लॉ के चक्कर में कितने लोगों को मारा जा रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। तकरीबन जितना मैंने पढ़ा है 2000 लोगों को मारा गया था उस वक्त। और जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो पता चला कि एक और एंगल निकल के आता है, जब मिलिट्री जो इस मूवी के अंदर दिखाया गया, जब मिलिट्री के लोग लोगों को पीट रहे थे तो वहां पर वो बोल रहे थे तुम कम्युनिस्ट हो, तुम कम्युनिस्ट हो, और जब मैंने पढ़ा इसके बारे में सर्च किया गया तो वहां पर भी दिखाया गया कि कम्युनिस्ट वर्सेस फार राइट विंग्स के बीच में जो लड़ाई थी और जिस तरीके से इन लोगों को मारा गया है, यहां पर एक सीन इसके अंदर दिखाया गया जिसमें एक व्यक्ति, एक पर्सन जो ये बात बोल रहा है कि यार इतनी ज्यादा लाशें हो गई हैं कि कॉफिन नहीं मिल रहे हैं, कमी पड़ गई है। और जब आप ये मूवी देख रहे हो तो एक बात जरूर ध्यान में रखना कि ये मूवी रियल घटनाओं के ऊपर आधारित है। कोई भी इसके अंदर, मतलब देखो यार थोड़ा बहुत तो इसमें लगाया गया कि हाँ कुछ एक थोड़ा बहुत ड्रामेटिक इस चीज को बनाया जा सके, लेकिन ज्यादातर तो ये रियलिस्टिक के ऊपर ही आधारित है। और अगर बात करूं गवर्नमेंट की उस टाइम की, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो कम्युनिस्ट लोगों ने भड़काया था यहां के लोगों को और प्रोटेस्ट करवाया था, और इस करके इन दोनों में झड़प हुई थी। वैसे बता दूं कि साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके ऊपर जो नॉर्थ कोरिया है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां जो है वो कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप चलती है।
अगर मूवी में परफॉर्मेंस की बात करूं तो A1 परफॉर्मेंस मुझे इसके अंदर लगी, और ये आपको इमोशनली कनेक्ट भी कर देती है। मतलब एक ऐसा सीन आता है फॉर एग्जांपल कि जिसमें मिलिट्री गोलियां चला रही है लोगों के ऊपर, और एक व्यक्ति सामने आता है हाथ में व्हाइट फ्लैग लिए हुए और कहता है कि मैं आत्मसमर्पण करता हूँ यार, मैं अब इस चीज को मतलब मैं झुकता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज मत मारो, क्योंकि वहां पर लोगों को मारा जा रहा है। सरेआम इतना खुले तरीके से वो सीन दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है कि लोग जो है वो हेल्प करने के लिए आ रहे हैं घायल लोगों की, उनको तक भी मारा जा रहा है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, भागते हुए लोगों पे, निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई जा रही है, जब वो व्हाइट फ्लैग लेके आया तो उसको भी गोली मार दी गई। इतना भयानक दृश्य देखा मैंने, मतलब इतनी ज्यादा ज्यादती इसके अंदर दिखाई गई। मैं तो ये कहूंगा यार देखो, जब आप ये देखने बैठो तो अपने बच्चों के साथ इसको बिल्कुल भी मत देखना। और एडल्ट सीन की बात करूं तो इसमें कोई भी एडल्ट सीन नहीं है, वॉयलेंस बहुत ज्यादा है और बहुत भयंकर रूप से है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो ज्यादा रुचि रखते हो कि साउथ कोरिया में 1980 में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था तब वहां पर क्या हाल थे, कैसा वहां पर लोगों को मारा गया, तो आप लोग ये मूवी देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।